आगामी 4-5 दिसंबर को यूनियन की मान्यता के जो चुनाव हैं उसमें आप सब रेल कर्मचारी साथियों का चुनाव चिन्ह झंडा है। अच्छा जो हमारे फ्रेंड्स ब्रांच के भाई और बहन हैं, भैया साथ में जाइए, एक बार पुनः आपके बीच में याद दिलाने आए हैं। आगामी 4-5 दिसंबर को यूनियन की मान्यता के जो चुनाव हैं उसमें आप सब रेल कर्मचारी साथियों का चुनाव चिन्ह झंडा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि रेलों को बचाने के लिए रेल कर्मचारियों के हितों को देखते हुए, कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए एक उद्योग में एक यूनियन की आवश्यकता है। और यही कारण है कि ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन, जो रेल कर्मचारियों में लगभग 60% अपने संख्या रखती है, वो भी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ आपके साथ में आज इस चुनाव मैदान में खड़ी है। अभिषेकता जिंदाबाद, अभिषेकता जिंदाबाद, बस कहना दो जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरे लोग जो प्रतिस्पर्धी यूनियन हैं वो सिर्फ चुनाव के मौसम में आपके बीच में आएंगे, बाकी 11 साल मान्यता में होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया इसका अगर आप लेखा जोखा उनसे पूछो तो निश्चित तौर पे उल्टे कदम चल देंगे। लेकिन हम आपके बीच में बराबर रहे हैं और आज भी आपको ये वायदा करते हैं, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाइए, 2007 के इतिहास को फिर से दोहराते हुए सिंगल यूनियन लाने का काम करिए। निश्चित तौर पे एक कैटेगरी का समयबद्ध तरीके से इस बार काम हम लोग कराने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ में मैं विद्यानाथ जी से भी अपील करूंगा, जो कि सहायक महामंत्री ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन है, वो भी आपके बीच में अपनी बात को संक्षेप में रखेंगे। साथ ही विद्यानाथ आदरणीय नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहायक महामंत्री एवं मंडल मंत्री लखनऊ डिवीजन श्री आर के पांडे जी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री के एस कुशवाहा जी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मंडल मंत्री श्री अभिषेक यादव जी, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लखनऊ डिवीजन के मंडल अध्यक्ष श्री विभूति मिश्रा जी और साथियों। दोस्तों, ज़्यादा लंबी बातें और आपको ज़्यादा काम में डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। मैं एकमात्र अपील करने आया हूँ कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इससे पहले 2 चुनाव हुआ वो इतना क्रिटिकल नहीं था जितना क्रिटिकल ये चुनाव है। इस चुनाव में क्रिटिकल इसलिए कहना चाहता हूँ, पूंजीपतियों की ये मंशा है सरकार के माध्यम से, वो ये चाहते हैं कि इस चुनाव में किसी भी यूनियन को मान्यता न मिले। आप मेरी बातों को शाम को जा करके काम से जब खाली होइएगा तो अपने अंतर्मन में चिंतन करिएगा कि अगर विद्यानाथ यादव की ये बात सही है तो फिर मैं अपील करने नहीं जाऊँगा। लेकिन पूंजीपतियों की सरकार के माध्यम से ये मंशा है कि कोई भी यूनियन चुनाव में मान्यता न पाने पाए, और आप जो है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति देख करके आपको लगेगा भी कि सरकार की मंशा वाकई यही है और खतरा काफ़ी बड़े स्तर पर है। आपको केवल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक आह्वान है, क्या कोई यूनियन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई यूनियन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई यूनियन होनी चाहिए तो मैं एकमात्र ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से ही आपसे अपील करना चाहता हूँ, वो केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हो सकती है। चुनाव में जिस तरीके से लोग आ जा रहे हैं
हैं और बाहर किए जा रहे हैं। ये एकमात्र मकसद है पूरे वोटों का बंटवारा करके कोई भी आदमी 30% 35% ना पाने पाए, ऐसी स्थिति पूंजीपतियों ने जो है बना करके रख दी है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, श्रम संहिता 2019 के अनुसार ये इस पैटर्न का ये आखिरी चुनाव होगा साथियों। इसके बाद 2029 में जो चुनाव होगा वो श्रम संहिता 2019 के अनुसार होगा और वो ये होगा कि वो चुनाव 51% जो है मान्यता, जो भी आदमी वोट पाएगा उसको मान्यता मिलेगी। यानी किसी न किसी तरीके से पूंजीपतियों ने सरकार के माध्यम से ये पॉलिसी भी बनवाने का काम किया है कि कोई भी यूनियन मान्यता में ना आने पाए। इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। लड़ाई जो है पूंजीपतियों और हमारे आप साथियों के बीच में है। अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं हम तो एक ब्रिज मात्र है, पांडे जी तो एक पुल है, केस को स्वाज तो एक पुल है। इस पुल पर चढ़ करके आपको पूंजीपतियों को हराना है या खुद मर मिट जाना है। अगर बचाने अपने अस्तित्व को बचाना है तो आपको पूंजीपतियों को हराना पड़ेगा और पूंजीपतियों को तभी आप हराएंगे। इसी चुनाव में सरकार को, इसी चुनाव में पूंजीपतियों को आप ये बताने का काम करें तुम अगले चुनाव में 51% क्या करो, मैं इसी 82% से जाके सिंगल यूनियन और पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन यूनियन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को बना करके आदरणीय मंडल मंत्री आर के पांडे जी को, विभूति मिश्रा जी को, केएस कुशवाहा जी को, एस जी मिश्रा जी को, एस के यादव जी को जो है मजबूत करने का काम करें। तमाम तो आपके हर काम होंगे। सबके जो है हमारे नए साथी यहाँ पर मौजूद है, एक सिनेरियो चल रहा है और उस पर लेकर के मतभिन्नता है और वो सिनेरियो ये है यूपीएस। मेरी सबसे राय अलग है, किसी के राय से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो चरित्र है भारतीय भारत सरकार का वो चरित्र ये कहता है कि अगर मान्यता पा भी जाती है कोई यूनियन, मुझे नहीं लगता कि बगैर गमला क्रांति के आपको यूपीएस भी मिल जाएगी। बाकी बातें तो आप छोड़ दीजिए साथियों, इसलिए सचेत होना है, दिमाग में बैठाना है कि पहले बार्गेनिंग पावर में जब भी ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग करती है जो मिल जाए उसको ले लो, बाकी के लिए आगे बढ़ो, लड़ते रहो। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अपना निशान कहाँ लगाएंगे? आपका निशान कहाँ लगेगा? सबका निशान कहाँ लगेगा? झंडे वाले खाने को मुहर लगा करके नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को 80% से ज्यादा